तुम अपने परिवार का एक ऐसा फर्ज निभा रहे हो जो कि तुम्हारे भाइयों को निभाना चाहिए था। वो तो अपना फर्ज भी निभाने नहीं आए। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, इस सौदेबाजी की रीत को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। इसमें समाज मेरा साथ दे या ना दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो वो इससे कि तुम मेरा साथ देती हो या नहीं। और अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो हम अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तो क्यों घर छोड़ के चली जाएगी? ये घर तेरा है, तू यहीं रहेगी। अंबिका के फोटो वाले पोस्टर्स गांव में लगाए तो प्रचार के लिए बहुत अच्छा होगा। पर ये पोस्टर वोस्टर में तो बहुत खर्चा आएगा ना, और मेरे पास तो नहीं। नहीं अंबिका, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा कामिनी, हमें वो पोस्टर छपवाने शहर जाना पड़ेगा ना। तो जाओ ना, काम तो करना ही होगा। ठीक है, हम कल सुबह शहर चलेंगे। अरे कल क्यों, आज क्यों नहीं? अंबिका हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और वैसे भी एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें आज ही के अभी निकलना चाहिए। अंबिका मेरे ख्याल से कामिनी बिल्कुल सही कह रही है, ये पोस्टर वाला काम हमें जल्द से जल्द निपटाना होगा, और मेरे ख्याल से आज ही निपटाना होगा। और सुधा तुम महिमा जी के साथ मिलकर गाँव में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दो चुनाव प्रचार के लिए, ठीक है? जी छोटे कुंवर साहब। हम शहर होकर आते हैं। अरे अंबिका तुम लोग संभल कर जाना, मन ने मौसम का मिजाज कुछ ठीक ना लग रहा, हो सकता है बारिश हो जाए। भाभी आप चिंता मत करो, हम लोग बारिश में बह थोड़ी जाएंगे। हाँ अंबिका, घर पे कुछ जरूरी पेपर्स है वो लेकर आता हूँ मैं। अंबिका क्या तुम इन कपड़ों में राघव जी के साथ शहर जाओगी? हाँ, इन कपड़ों में क्या खराबी है? खराबी कुछ नहीं है, पर अंबिका तुम अब चुनाव के लिए खड़ी हो रही हो, तुम्हारे कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें तुम्हारी पर्सनालिटी उभर कर सामने आए। और वैसे भी अंबिका तुम्हारे पोस्टर्स बनने वाले हैं, कुछ तो बात होनी चाहिए ना। आप भी ना कामिनी जी। ठीक है मैं कपड़े बदल लूंगी। अब खुश? बहुत खुश, इस बात पर एक जादू की छप्पी हो जाए। अरे राघव सही वक्त पे मिल गया, ला चाबी दे। भाई साहब मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आप बाइक से चले जाइए। तो बाइक से तो तू भी जा सके है, मैंने जरूरी काम, ला चाबी दे। भाई साहब आपका काम जरूरी हो सकता है, मेरा नहीं। माम सॉरी भाई, मैं आपको चाबी नहीं दे सकता। अरे यार देख, सवेरे सवेरे मत्था खराब ना कर मारा, ठीक है? दिमाग खराब है, चाबी दे। वैसे नहीं दे रहा बस। ये हुआ क्या? रोज रोज का तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, और एक घर में घुसा नहीं कि दूसरा जाने को तैयार बैठा है। क्यों लड़ रहे हो सुबह सुबह दोनों के दोनों? हाँ थारा जे लाडला सपूत है ना, मारे को आगे बढ़ता ना देख सके। हाँ कभी नहीं, छाती पर सांप लोटन लग गए हैं, मारे हाथ पे कुछ भी आए तो। हाँ पर हुआ क्या है? माँ मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना, और भाई साहब कह रहे हैं कि बाइक से चले जा, गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी से मुझे जाना है माँ। पर राघव तेरा काम गाड़ी के बिना बनता है कि नहीं बनता है? हाँ माँ। तो दे देना बड़े भाई को चाबी, क्यों फालतू में उलझ रहा है इससे? तू मोटरसाइकिल से चला जा। जी माँ। अरे तो पहले दे देता ना, क्यों नाटक कर रहा था सुबह सुबह, था खराब कर दिया। माँ मैं चलती हूँ, तुम चिंता मत करना। अच्छा रुक एक मिनट में, अभी आई। Thank you.
ये ले। माँ ये पेन तेरे बापू लाए थे तेरे लिए। खैर तू छोड़ी ये सारी बातें, तू जा। अरे दीदी आप कहीं जा रही हो क्या? वो कामिनी जी ने प्रचार अभियान के लिए पोस्टर बनाने का सुझाव दिया था, बस उसी के लिए फोटो खिंचाने शहर जा रही हूँ। राघव जी आ गए माँ, चले। नमस्ते माँ जी। बेटा इस गाड़ी पे जाएंगे? अगर बड़ी गाड़ी से चले जाते तो। जी माँ जी वही लाने वाला था, लेकिन वो वीरेंद्र भाई सा है ना, मेरे बड़े भाई सा, उनको किसी काम से जाना था गाड़ी से, इसीलिए मैं बाइक पे आ गया। पर बेटा। माँ कोई बात नहीं, हम लोग इसी से चले जाएंगे। मौसम इतना खराब है, अगर बड़ी गाड़ी से चले जाते तो। माँ कभी कभी नियति जो करती है ना, उसे सहर्ष मान लेना चाहिए। सोचो अगर रास्ते में कार खराब हो गई तो। ठीक है, अब तो जैसा तू कहेगी वैसा मानना तो पड़ेगा ना। ठीक है आती हूँ माँ। चलते माँ जी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को मैं सही सलामत वापस ले आऊँगा, वादा है मेरा आपसे। माँ एक बात बोलूँ? हाँ अब तू भी बोल ले, तेरी कसर रह गई थी, तू भला क्यों पेट में रखेगी? दीदी की और राघव भैया की जड़ी खूब जमती है ना माँ। अरे सोनू भाई तू भाभी कहाँ है? दोनों ने आने से मना कर दिया। ये शादी है या सौदा? अरे चोगर देना भाग हरा ढोर घटा समण की रे समण की छोरी गाँव गीत सुरले झूल गली कमण की झूल गली कमण की क्या बात है। अरे भाई मौसम तो वाकई बहुत चौखा हो रहा है, सच कहूँ तो दिल बहुत रोमांटिक सा हो रहा है। भाई अगर तुम कोई ना कोई खुशखबरी लेके आ जाना आज तो हम दोनों का जीवन सफल हो जाए, जिंदगी सवर जाएगी। सही कह रहा है छोटे, बिल्कुल करेक्ट बात बोल रही तुमने है? और तूने ना मेरे मुंह की बात भी छीन ली, आज ना मौसम ना बड़ा ही रोमांटिक हो रहा है। अगर इस रोमांटिक मौसम में ना अगर तू मेरे को गुलगुले खिला देगा ना तो सुनने पे सुहागा हो जाना है। चल भाई खिला दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? ना मिलेगा के दो चार तो भी खा लेना। ओ भाई तू ना बदलने वाला ना है। हाँ मतलब अरे देख माँ भाई माँ से बात माँ से कौन बात करे तू ही कर। अरे माँ देख क्या घनी चौकी बारिश हो रही है। तो क्या करूं नाचूं के?
अरे मां नाचने की उम्र तो तेरी कब की चली गई? तू बस एक काम कर दे, हम दोनों भाइयों के लिए ना गर्मा गर्म गुलगुले बना दे। गुलगुले बनाने से क्या होगा, तेरी औलाद तुझे दुआएं देंगी। हाँ, अरे माँ बना देना गुलगुले, हैं? देख लेना तेरी 10 साल उम्र बढ़ जानी है, बना दे। देख, मेरे से ना होगा कोई काम धाम, और अब मेरे आराम का बखत हो गया है, मैं तो आराम करूंगी। ना बनाएगी तू? भाई अपना आइडिया फ्लॉप हो गया। अरे कोई बात नहीं छोटे, थोड़ा बहुत तो किचन के बारे में हमको भी ज्ञान हो गया है। 2-3 दिन हम लोगों ने खाना बनाया ना, तो एक काम करते हैं, हम दोनों भाई मिलके गुलगुले बनाते हैं तो कैसा रहेगा? है बहुत ही बुरा रहेगा भाई। मतलब तुझे मालूम है ना कि मैंने उस दिन कितने सारे बर्तन धोए थे? मेरे बस की ना, मेरा शरीर अकड़ गया बर्तन धो के, मैं कुछ ना करने वाला। और भाई तुझे रसोई में जाने की बहुत जल्दी हो रही है, जब इतनी जल्दी हो रही है तो बापू से क्यों लड़ाई झगड़ा किया था तूने? बापू तो अपना ही है ना, उनसे तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है ना, तू देखता है ना, सवेरे शाम लड़ते रहते हैं हम लोग। लेकिन भाई वो बात छोड़ ना भाई, खिला दे यार, बड़ा रोमांटिक मौसम है, खिला देना, तू बना के खिला दे गुलगुले, हैं? मैं मदद करूंगा तेरी, देख लेना। ठीक है भाई, तू भी क्या याद करेगा कि किस विराट से पाला पड़ा था तेरा? अरे मेरा तो इसी विराट से पड़ा था रे पाला। बात क्यों उठा लिया? मैं भी तेरा ही भाई हूँ। अच्छा चल बनवा दे गुलगुले, बनवा दे। अरे भाई सोनू, सोनू। हे भगवान, आ गई ये दोनों नाचपीटी मेरे छाती पे मुंह डलने। तो पूरा भीग गया। हाँ भाई ये तो सोनू ही है। हे भगवान। अरे सोनू भाई, तू भाभी कहाँ है? दोनों ने आने से मना कर दिया। हाँ भाई, वो तो मेरे को पहले ही पता चल गया था कि वो लोग नहीं आए तेरे साथ, तू अकेला चल के आ रहा था ना। ये बता कि पगलिया क्या कह रही थी तेरे को? भाई आपको दिख नहीं रहा है कि मैं पूरा भीगा हुआ हूँ? पहले मैं अपने कपड़े बदल लूं, फिर आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। ओ भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, कर ले चेंज, कपड़े कर ले। पैरी पौना मां, जीता रहे बेटा, बहुत बड़ा काम करके आया है, ये ले 10 रुपए। अरे माँ ये 10 रुपए ना आप अपने पास ही रखो, मुझे ना आप गर्मा गर्म चाय बना के दो, बहुत ठंडी लग रही है मुझे। देख मुझसे ना बनने वाली है चाय वाय, अपने भाइयों से बोल जिनके हुकुम पे गया था भाभियों को लेने के लिए। अरे मारे आने दे, तू बीच में मत बोला कर, हम तीनों भाइयों का आपस का मामला है ना, तू की बीच में फंस रही है। तेरे को नहीं बनानी चाय मत बना, मैं बना दूंगा, जैसी तैसी चाय बनाने आती है बना दूंगा मैं। और सोनू तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है, भीगा हुआ है यहाँ पे, ठंड लग जाएगी, जा मेरे कमरे पे आकर तैयार हो जा, मैं चाय बना के लाता हूँ तेरे लिए। ओ भाई तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है, थोड़ी मदद कर दे भाई की। अरे मेरे को नहीं खाने गुलगुले यार, मेरा मूड खराब हो गया है। तू भी नहीं करेगा और माँ तो कुछ करेगी नहीं, करना तो मुझे पड़ेगा ना। मेरे को नहीं खाने भाई गुलगुले, तू चाह का एक कप मेरे को भी दे देना। हद होगी यार, सब कांड हो गया, आज पगली आ जाती ना माँ सारे काम ठीक हो जाते। बड़बड़ाता रहे, बजरंग बली तो हमारे साथ हैं, उन चुड़ैलों का पत्ता तो कट गया। बड़ा मजा आ रहा है आपको? अब सब खड़े क्यों हो, बैठा ना। हे भगवान, अंबिका कहाँ रह गई, बारिश पानी से पहले आ जाए तो अच्छा। आशा, आशा जल्दी से वहां से कपड़े उठा ले, बारिश होने वाली है। थैंक यू दीदी। सुखी। अरे आप लोग आ गए, अब बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप रहने दीजिए, आज मैं आप सबके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं बेटा, तुम क्यों बनाओगी, तुम तो हमारी मेहमान हो।
हाँ कामिनी, माँ जी सही कह रही हैं। आप क्यों चाय बनाएंगी? क्यों, मैं आप सबके लिए चाय नहीं बना सकती? क्योंकि आपको पता ही नहीं है रसोई में कहाँ कहाँ सामान रखा है। अगर आप जाओगी ना तो आपके साथ या तो आशा जाएगी या फिर मैं, और अगर चाय बनाने के लिए दो लोग लगे तो हो गया कल्याण देश का। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चोखी सी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बना देती हूँ, तुम सब खाना। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पकौड़े खाकर तो मजा आ जाएगा। अरे माँ जी आप बैठो इन लोग के साथ, मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ। आप सब खड़े क्यों हो, बैठो ना। हे भगवान, अंबिका कहाँ रह गई? बारिश पानी से पहले आ जाए तो अच्छा। अरे सोनू आ गया तू, ये कौन सा तरीका है बिना खटखटाए अंदर आने का? भाई मैं पड़ोसी के घर में आऊं क्या जो दरवाजा खटखटा के आऊंगा? कमाल करता है यार तू। अरे भाई आपको समझाना ना एकदम बकवास है, अभी आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करने जाइए। कमाल है यार, पागल है तू हैं? जब तेरी बाबी नहा के आती है ना वो मेरे को कभी भी बाहर नहीं भेजती, और तू लड़का होकर मेरे को बाहर भेज रहा है। कमाल का आदमी है यार तू, हैं? लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, हद है यार। भाई देखो मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे तू? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। भाई कुछ नहीं करूंगा, अरे यार भाई प्लीज बाहर जाओ ना भाई, बाहर जाओ। अरे देख तेरे को कपड़े चेंज करने हैं तू कर ले, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं मुंडी उस तरफ करके घूम के खड़ा हो जाता हूँ, फिर तो ठीक है, अब कर लेगा चेंज। ले भाई मैं मुंडी को आगे खड़ा हो गया हूँ, तू बदल ले कपड़े, बदल ले बदल ले। ए भाई आपको मेरी कसम, पहले आप आंख बंद कीजिए। अरे बंद ही तो है, देख ले चाहे बंद है। छोटे कर। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे अभी सम्राट भाई को समझाया था कि दरवाजा खटखटा के अंदर आना चाहिए, और अब आप। अरे सुनो नाराज क्यों रहा, तू देख नहीं रहा मेरे हाथ में तीन तीन कप चाय के हैं, अब क्या माथा दरवाजे पे फोड़ गया हूँ? ओ भाई कोई फायदा नहीं है भाई, तेरे को ना आखिरी में मेरे पास आके गर्दन घुमा के खड़ा होना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये ना बहुत ही शर्मिला है, लड़कियों की तरह शर्मा रहा है कपड़े बदलते वक्त। आ जा ला मेरी चाय दे मेरे को, कौन सी है गर्म कौन सी है भाई? अच्छा और भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, जब उसकी शादी होगी तब क्या होगा? हैं बहू आ जाएगी तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। अरे ले बदल ले कपड़े, बदल ले, कर लो जितनी बकवास करनी है सम्राट भाई। अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं, बात करता है सच। नहीं यहाँ पे रौब झाड़ने आया हो मुझ पे, अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे हो, मुझे सब पता है। हल जुतवाने आया हो मुझसे यहाँ पे। ओ छोटे हल वल जुतवाने ना तुझसे हम यहाँ पे, हम तो बस ये जानने के लिए आए हैं कि ये बता दे कि तेरी भाभी है कैसी, क्या बोल रही थी? हाँ तेरी बड़ी भाभी महिमा कैसी है? अरे भाई तू भी ना सिर्फ अपनी लुगाई के बारे में सोचता है, मेरी लुगाई का क्या होगा? तेरे को भी तो अपनी लुगाई की पड़ी है ना, तू ये बता कि अंबिका भाभी कैसी है? आप लोग यही पूछने आए हो ना, पहले मैं चाय पी लेता हूँ, चाय भी ठंडी हो रही है और मुझे भी ठंड लग रही है। तो फिर बिस्किट मंगवा दें तेरे लिए? अरे मैं चाय पीने के बाद बताऊंगा ना सब आपको। चल पी पी चाय पी, तू चाय पी, कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक मंगवा दे। ये अंबिका का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है, जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दोनों भाई एक दूसरे के जन्म जन्म के दुश्मन हो जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। चाय बहुत अच्छी बनी है। सच्ची? शायद तेरे ससुर जी भी आ गए। आपको कैसे पता? आपके बड़े बेटे भी तो हो सकते हैं ना, मुझे गाड़ी की आवाज पता है उनकी। क्या बात है सासू माँ, खुश रहो खुश रहो। तो कैसा रहा आपका सफर, सब निपट गया ठीक ठाक से?
हाँ सब ठीक से हो गया। वीरेंद्र और राघव कहाँ गए? दोनों किसी काम से शहर गए हैं जी। क्या दोनों एक साथ? नहीं ससुर जी, वो दोनों एक साथ थोड़ी ना जाएंगे। आजकल तो वो दोनों एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते, इकट्ठे कैसे जाएंगे? अलग अलग गए हैं दोनों। बहू चाय बना कर लाओ अपने ससुर जी के लिए, थकान दूर हो जाएगी उनकी। ठीक है ससुर। सरला इस कोमल को समझाना कि भारे से कुछ बात करनी हो तो सीधी बात ना करे, थारे जरिए करे। समझा देना इसको। जी समझा दूंगी, आप गुस्सा ना हो, शांत हो जाओ ना। ये दोनों शहर किस लिए गए? वीरेंद्र तो सरपंची का पर्चा भरने गया है, और राघव किस काम से गया बता के नहीं गया, पूछा था मैंने। अंबिका गई है उसके साथ। चला ये अंबिका का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है, जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दोनों भाई एक दूसरे के जन्म जन्म के दुश्मन हो जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा। चलिए राघव जी, हम भी घर चलते हैं, मौसम खराब हो रहा है। हाँ चलो।